और मसला तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी में सो कॉल्ड जो घोटाला हुआ है, सो कॉल्ड उसके बारे में पूछताछ होनी है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ दिल्ली में, 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो हुआ है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है, सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान, 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा, इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसे एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन रहेंगे नहीं तो साहब के ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं, 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं नहीं देखो ये केस तो ऐसे चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ, राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए, ईमानदारी से काम करने के लिए आए। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम के बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है, मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है, मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें, पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें, कोई 1 करोड़ का 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ, आज मुझे वहां से समझ में आ गया।